अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 27वां और पावर पॉइंट का दूसरा लेक्चर है। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, इधर से ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन टैब। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब में ये होता है जो हम सबसे पहले जब न्यू लेते हैं कोई फाइल, तो ये जो डिज़ाइन आ रहे हैं बेसिकली ये वही हैं। इधर से मैं लेता हूँ, कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया है और इधर से क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब ये वही डिज़ाइन है, सारे थीम्स जो हैं पूरी। ये अगर हम फाइल पूरी 4-5 स्लाइड्स होंगी तो उस पर आपको सही समझ लगेगी। मैं स्लाइड देता हूँ, ये ब्लैंक मैंने ले लिया। एक पे मैं पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक पे नाम और कार्ड। ठीक है, ये 4 स्लाइडें हो गई हैं। अब मैं थीम ए उस पे जाता हूँ डिज़ाइन में और इसकी थीम पे, तो ये देखें ये सारे की सारी थीम चेंज हो गई है। ठीक है, ये अगर मैं ये करता हूँ तो ये सारी स्लाइड्स की जो है ना थीम उसने वही कर दी। इसी तरह अगर मैं ये लेता हूँ तो सारी स्लाइड की वो सेम हो गई है। ठीक है, इस तरह इसके वेरिएंट्स हैं। कलर अगर चेंज करना है इसका तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ये कलर कर दिया है, पूरी सारी स्लाइड्स का कलर चेंज हो गया। इसके अलावा अगर फॉन्ट चेंज करने हैं तो इधर से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, अगर इफ़ेक्ट चेंज करने हैं तो इफ़ेक्ट भी चेंज हो सकते हैं इधर से। ठीक है, और इसके बाद है स्लाइड का साइज़। स्लाइड का साइज़ जो स्टैंडर्ड है वो 4x3 है। ये वाइट स्क्रीन किया हुआ है मैंने, तो ये आप देख सकते हैं क्या करना है। ठीक है, इधर अब हम टेक्स्ट लिखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कंप्यूटर बेसिक कोर्स लिखते हैं इधर। इस पर लिखते हैं लेक्चर 27। ठीक है, अब इधर मैं कुछ ऐड करता हूँ फोटोज। फोटोज के लिए मैं जाता हूँ डिस्क में अपनी, तो ये मैंने फोटो इधर सेलेक्ट करके सेट कर दिए। अब इधर इधर भी पिक्चर लगा सकते हैं, तो इधर मैं लगाता हूँ पिक्चर, कोई सी लगा लेते हैं, जैसे जैसे ये लगा लेता हूँ। ठीक है, आ गई। ठीक हो गया, और इसको मैं करता हूँ रिमूव ऐसे ही। इसको इधर से सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेंटर में, और अब ये आखिर वाली स्लाइड है, इस पर लिख देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये हमने स्लाइड एक प्रेजेंटेशन बना ली है, इसको करते हैं सेंटर में। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन बन गया, ये उसकी स्लाइड है, पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है और ये चौथी स्लाइड है। इसका भी कलर के जैसे ही करता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये भी रेड ही है, ये भी रेड हो, ये ऑरेंज है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर अब मैं इससे इसकी डिज़ाइन चेंज करता हूँ तो मैं ये वाला डिज़ाइन चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो ये देखें। ठीक है, कितना प्यारा उसने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सेव, इसको
इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, इसकी अभी आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद है फॉर्मेट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे अगर फिल करना है, फिल वगैरह, ठीक है, अगर पिक्चर या टेक्सचर कोई लगाना है या पैटर्न लगाना है, ठीक है, ये पैटर्न कुछ बने हुए हैं उसके अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो इधर से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हाइड कर दूंगा, ग्राफिक्स जो हैं, जो ऊपर एलिमेंट्स वगैरह लगे थे वो सारे हाइड हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। पहले जैसे ये बैकग्राउंड का है, माइनर सा चेंज आया। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा आल पे। ठीक है, अप्लाई टू आल किया था तो ये सारी, तो इसको करते हैं सेंटर में। ठीक है, तो उसके अलावा ये शेप्स के ऑप्शन है। ठीक है, ये देखें ये शेडो सा आ रहा है, इसके अलावा ब्लर करना है वो है। उसके बाद ये है साइज, साइज ज़्यादा या कम करना है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आज हमने डिज़ाइन टैब को पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको इस सारी वीडियो की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।